मोशन अंडर सेंटर फोर्सेस से आज हम पढ़ेंगे एक बेसिक सा टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, बेसिक सा टॉपिक है, हम इसको कर लेते हैं, लॉन्चिंग स्पीड ऑफ ए बॉडी। चलिए जी, सपोज करो अर्थ है, अर्थ का मास एम है, रेडियस आर है, तो यहाँ से पार्टिकल जिसका मास एम है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर। चलिए जी, अगर हम पार्टिकल को एच हाइट से उठा रहे हो, इफ द पार्टिकल इज रेज्ड टू अ एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस देन दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेम पार्टिकल कितनी हो जाएगी भाई, इसको डिनोट करेंगे यू एच से, इससे लिखेंगे भाई यू एच से, तो ये हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच की, क्योंकि अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई आर प्लस एच, यहाँ से चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा भाई, तो हेंस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू एच माइनस के यू आर बराबर जी एम एम आर प्लस के एच विद माइनस साइन। चलिए जी, माइनस है यू आर, लेकिन माइनस एक ये रहा तो प्लस हो जाएगा भाई, उसकी वैल्यू प्लस में आएगी जी एम एम बाई आर, यहाँ से भाई माइनस जी एम एम कॉमन, तो वन अपॉन आर प्लस एच माइनस के वन अपॉन आर, ये हो गया भाई। अब इस कैल्शियम लेके सॉल्व करेंगे, चलो तब तक बढ़ाओ कदम और इसको नोट करो फटा दो। तो भाई यहां से यू एच माइनस यू आर माइनस के जी एम एम आर माइनस के आर प्लस के एच इंटू आर। चलो भाई, माइनस के जी एम एम ये हो जाएगा आर माइनस के आर माइनस के एच आर इंटू आर प्लस के एच आर से आर कैंसिल माइनस के जी एम एम माइनस के एच अपॉन आर आर प्लस के एच। चलिए जी एम एम एच बाय आर आर प्लस के एच, कुछ इस तरीके की कहानी हो गई भाई, हो गई। चलो इसको हटा दें, इधर से नोट करते ही लोग। अब इसमें क्या होगा भाई, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया नीचे से, तो जी एम बाय आर स्क्वायर ऊपर एम एच अपॉन वन प्लस के एच बाय आर, ठीक है भाई, एच बाय आर बन जाएगा भाई, एक आर बाहर ले लिया तो इसके अपॉन में आर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर ये बाहर ले लिया। As GM is equal to GM by R is equal to G होता है, यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी G into
एम एच वन प्लस के एच बाई आर। अब जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है भाई, पॉजिटिव मिल रही है, तो यहां पर ये क्या हो गया, गेन हो गया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये कहां से मिल रहा है हमें, जब हम पार्टिकल को भाई क्या कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, तो उसे हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हमें ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, जो हम पार्टिकल को लॉन्च करने के लिए दे रहे थे, हम पार्टिकल को क्या करते, लॉन्च करने के लिए दे रहे थे। तो भाई अगर पार्टिकल हमारा लॉन्च हो रहा हो इनिशियल स्पीड v से, इनिशियल स्पीड v से, तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² इक्वल ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो भाई हमें क्या मिल रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिल रही है, तो कह सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसे मिलेगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पार्टिकल को लॉन्च करने के लिए दे रहे थे, अगर पार्टिकल भाई वी स्पीड से, यानी कि इनिशियल स्पीड अगर वी हो पार्टिकल की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, 1/2 mv² ये हो गया भाई जी एम एच वन प्लस के एच बाय आर। दोबारा से लिख देते हैं, 1 प्लस के एच बाय आर, एम से एम कैंसिल, 2 चला गया जी एच के साथ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी एच 1 प्लस के एच बाय आर। चलो भाई तो वी कितना आ गया भाई, यानी कि लॉन्चिंग स्पीड कितनी आ गई हमारी, ये इसका अच्छा जी, अगर हम पार्टिकल को रेज कर रहे हो भाई h = 10 r से, h = 10 r से कितने रेज, कहां से रेज कर रहे हो इसको, h = 10 r से, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा भाई, यहां से v हो जाएगा आपका 2g मल्टीप्लाई बाय 10 r 1 प्लस h 10 r / आर का रूट, तो v इज इक्वल्स टू 20 जी आर, ये हो गया भाई 11 आर बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू 20 जी आर बाई 11, ठीक है भाई। ये था भाई लॉन्चिंग स्पीड, ओके बोलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भाई।